अनंत कुमार से जो विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, इस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज, मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। देखिए, मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह आज बिहार विधानसभा पहुंचे। अनंत सिंह सीधे जेल से सदन पहुंचे और बिहार विधानसभा सदस्य पद की शपथ ली। उन्होंने जिस अंदाज में शपथ ग्रहण किया उससे तो यही लग रहा था कि वो शपथ पत्र रट के आए हैं। एकदम रटे रटाए अंदाज में उन्होंने शपथ पत्र पढ़ लिया। आइए आपको सुनवाते हैं अनंत सिंह ने किस अंदाज में शपथ ग्रहण किया। क्षेत्र संख्या 178 मोकामा, श्री अनंत कुमार सिंह। मैं अनंत कुमार सिंह जो विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। इस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। ने देखा कि अनंत सिंह ने किस अंदाज में शपथ ग्रहण किया। वीडियो देखकर आपको यह भी प्रतीत हुआ होगा कि अनंत सिंह शपथ पत्र रटे रटाए हुए आए थे। विधानसभा पहुंचते ही अनंत सिंह ने सबसे पहले वहां बैठे अन्य सदस्यों का अभिवादन किया और अपनी सीट की तरफ बढ़े। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने शपथ के लिए उनका नाम पुकारा। फिर अनंत सिंह ने शपथ लेना शुरू किया तो उन्होंने एकदम धड़ल्ले से शपथ पढ़ लिया। इस दौरान उन्होंने न दाएं देखा और ना ही बाएं देखा, न ऊपर देखा और ना ही नीचे देखा, बस शपथ पढ़ते गए। हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि अनंत सिंह ने किस अंदाज में शपथ ली। क्षेत्र संख्या 178 मोकामा, श्री अनंत कुमार सिंह। मैं अनंत कुमार सिंह जो विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। इस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। आपको बता दें कि अनंत सिंह इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में राजद के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत हासिल किए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव हुआ और इसमें एनडीए के तरफ से विजय कुमार सिन्हा उम्मीदवार बनाए गए थे, जबकि महागठबंधन के तरफ से अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया था। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि महागठबंधन के लिए अनंत सिंह विधानसभा पहुंच सकते हैं और ऐसा हुआ भी। अनंत सिंह जेल से सीधे सदन पहुंचे और वहां मौजूद सभी नेताओं का अभिनंदन किया। फिर शपथ ग्रहण के लिए उन नाम पुकारे जाने के बाद धड़ल्ले से शपथ पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अनंत सिंह ने एक सांस में शपथ ग्रहण कर लिया हो। बताते चले कि एनडीए उम्मीदवार विजय सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने उनके नाम की घोषणा की। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव दोनों नेताओं ने विजय सिन्हा को विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी तक लेकर गए। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।